हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो अभी अप्रॉक्स 9 बज गया है और मैं रिजॉर्ट से जा रहा हूँ नीचे थोड़ा नेचर वॉक करने के लिए। जो ये नीचे लेक है ना कुचियाताल, उसी के आसपास वॉक करूंगा। उसके बाद देन विल सी कि वहाँ पे लोकल वगैरह कुछ है, सो आज ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लूँ। चलो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम और ये रिजॉर्ट दिखा देता हूँ। भाई सब, रूम देख के तो मेरा दिल खुश हो जाता है और बालकनी तो आप पूछो ही मत, एकदम जहर। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और जो यहाँ से नजारा दिख रहा था ना उसके तो क्या ही कहने। तो भाई इस तरह से थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रैक है जहाँ रिजॉर्ट से नीचे आके, और ये आ गए हम मेन रोड पे। यहाँ से ये नौकुचियाताल है बिल्कुल बगल में, तो यहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हो, इवनिंग वॉक के लिए भी आ सकते हो। और बेस्ट पार्ट है कि इसके आगे बोटिंग वगैरह भी होती है, धीरे धीरे आपको भी दिखाऊंगा। सो गाइस, इस विलेज का नाम है चुनौती, ये एक चुनौती से कम नहीं है। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। अभी तो सुबह का टाइम है, 9:30 हो रहा है, तो अभी खाली पड़ा हुआ है, तो आप कयाकिंग वगैरह भी यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत काफ़ी सारी दुकानें हैं, यहाँ पे आप यू नो ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे खाता हूँ और पराठे के बाद चाय पी के मुझे पता लगता है कि यहाँ पे बोट स्टैंड कैफे भी है। और इसके बाद मैं धीरे धीरे लेक को निहारते हुए इसी रोड में आगे बढ़ जाता हूँ। और इसी रोड में आगे बढ़ते हुए मुझे सबसे पहले तो ये चाय की दुकान मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ा सा ही और आगे चल के मेरे को एक बहुत सुंदर सा कैफ़े दिखाई देता है जिसका नाम था कर्नल कैफ़े। इस कैफ़े को देख के मैं सोचता हूँ कि अब लंच तो यहीं करना है, और ये सोचते हुए मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। और धीरे धीरे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे हनुमान मंदिर भी मिल जाता है। और इस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति देख के मेरे होश उड़ जाते हैं, और फिर मैं हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर के अंदर जाता हूँ। काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं, और यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है और काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आप यहाँ आ रहे हो। भगवान का चमत्कार देखो, मुझे यहाँ पे पानी भी मिल जाता है और मैं तुरंत शिव जी को जल भी चढ़ा देता हूँ। और फिर यहाँ से शिव जी को जल चढ़ाते हुए मैं निकल जाता हूँ आगे की ओर। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, और पैराग्लाइडिंग को देखते हुए मैं लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। सर, जिपलाइन वगैरह है हमारे पास, वायर पे साइकिल है, जॉर्बिंग है, बोटिंग है, शिकारा। क्या रेट रहता भैया? जिपलाइन 300 से स्टार्ट है, 1200 तक एक्टिविटी है भैया। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु भाई है। मेरा नाम हिमांशु है। हाँ, मिला दो यार इसी बात पे, यार कोई बात नहीं। और वहां से वापस आके मैं बोट स्टैंड आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ठंडा सा नींबू पानी पीता हूँ। नींबू पानी पीने के बाद एक अजनबी की मदद से इस बेहतरीन शॉट को लेके मैं नींबू पानी वाले भैया को शुक्रिया अदा करता हूँ। कब से हो यहाँ पे आप? हमें हो गए सर 7-8 साल हो गए। थैंक यू, बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद मैं चले जाता हूँ सीधे वापस कर्नल कैफे में। कर्नल कैफे जितना बाहर से सुंदर दिख रहा था उतना अंदर ही वाइब से भरा हुआ था। और अंदर पहुंचते ही मेरी नज़र सबसे पहले कुमाऊनी चीज़ पिज़्ज़ा पे पड़ती है, और मैं बिना सोचे समझे इस पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर लेता हूं। और थोड़ी सी भूख और लगने के कारण मैं एक बर्गर भी ऑर्डर कर लेता हूं। ये सब खा के और एक हर्बल टी पीने के बाद मैं वापस अपने रिजॉर्ट आ जाता हूं। और रिजॉर्ट आने के बाद मुझे पता लगता है कि यहां पे भी एक कैफे है। और इस कैफे को चेकआउट करके और थोड़ी सी प्रॉपर्टी घूम के मैं आज की जर्नी यहीं एंड कर देता हूँ। अगली सुबह एक शानदार नज़ारे के साथ मेडिटेशन करते हुए शुरू होती है, और मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ आज की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और इस बालकनी का व्यू दोबारा लेके मैं निकल जाता हूँ चेकआउट करने के लिए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे बाहर के बिलीनियर्स और बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आए हुए हैं, और उनको एक अलग एक्सपीरियंस हुआ है, और उन लोगों को रिकमेंड भी करते हैं वहाँ पे जाके आप रहो और एक पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्व करो।
तो ये बहुत अमेजिंग जगह है, आपने नाम भी सुना होगा कैची धाम। यहाँ पे निम करौली बाबा जी का टेंपल है, अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आपको आधा घंटा लगेगा यहाँ से ड्राइव करके अगर आप जाते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि जब आप काठदुगाम से यहाँ आते हो तो आप एक ऐसी जगह रुक जाओ जहाँ से आप नियर बाई एक्सप्लोर कर सको और साथ में फिर कैची धाम करके वापस जा सको, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। तो गाइस अगर आप आते हो तो भैया आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बड़े हेल्पफुल हैं। थैंक्स, बाय बाय। कैची धाम में निम करौली बाबा जी का मंदिर है जो कि बहुत पॉपुलर है और देश विदेश से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। 15 जून को यहाँ पे धाम का स्थापना दिवस बनाया जाता है और यहाँ पे एक विशाल भंडारा का आयोजन होता है। अगर आप लोग यहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्थाएँ हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें पूरी डिटेलिंग बताई हुई है। तो गाइस मैं कैची धाम पहुँच गया हूँ और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, पता नहीं क्यों आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है मंदिर में, शायद बहुत सारे लोग आए हैं, टूरिस्ट ज़्यादा है। तो गाड़ी मैंने बहुत आगे लगा दी, मंदिर से भी पैदल पैदल जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। सो गाइस दर्शन करके मैं आ गया हूँ और जैसा कि जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत अलग महसूस होता है, अलग एक्सपीरियंस लगता है। बिकॉज आप जब यहाँ आते हो तो आप यहाँ रुको थोड़ा सा, अगर आप मेडिटेशन करते हो मेडिटेशन करो, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो यहाँ आके बैठ जाओ, बस कुछ मत सोचो कुछ मत देखो, बस बैठ जाओ मंदिर में, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे होता है। मुझे हर बार जब भी आता हूँ मैं ज़रूर होता हूँ। मंदिर के बाहर आपको प्रसाद और सुवीरियर की दुकानें मिल जाएंगी, आप यहां से बहुत सारी यादें अपने घर भी ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक लोकल फूड रेस्टोरेंट भी है जहां पे आपको कुमाऊनी थाली मिल जाएगी। कुमाऊनी थाली में यहां का लोकल फूड आता है जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है और इसको ट्राई किए बिना जाने का तो यहां से मतलब ही नहीं होता है। और इस तरह से मेरी कैचीधाम और नौकुचियाताल की जर्नी समाप्त होती है और इस जर्नी के बाद मैं अब कहां जाऊंगा जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।